सेल डिवीजन पे अपन डिस्कशन कर रहे थे। सेल डिवीजन जब चलता है तो सेल डिवीजन के अंदर दो टाइप होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन वर्ड का यूज सबसे पहले साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने किया था और मियोसिस वर्ड दिया था फॉर्मर और वुड ने। अच्छा, इसी चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ था कि 1855 में एक साइंटिस्ट था रुडोल्फ विर्चौ और उन्होंने एक वर्ड दिया था ओमनिस सेल्यूला इन सेल्यूला। इस वर्ड का मीन था न्यू सेल इज ऑलवेज फॉर्म बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि नई सेल्स, नई कोशिकाओं की जो प्रोडक्शन है, उनकी जो ओरिजिन है, उनकी जो उत्पत्ति है, वो हमेशा पुरानी कोशिकाओं से होती है। देख रहे हो इधर की तरफ, समझ भी रहे हो, समझ में भी आ रहा है। अच्छा, इतना होने के बाद में जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के प्रोसेस को नाम देते हैं साइटोकाइनेसिस और उसका न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं कैरियोकाइनेसिस। तो एक में कोशिका का विभाजन, दूसरे में उसके अंदर के केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक का विभाजन पहले होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन पहले होता है और सेल का डिवीजन उसके बाद में होता है। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो सेल डिवीजन के अंदर पहले होगा न्यूक्लियस का डिवीजन और ये न्यूक्लियस का डिवीजन चार स्टेज में होता है। अच्छा, इसको सिक्वेंस में पूछा भी जाता है और सिक्वेंस याद रखने के लिए आप लिखोगे पीएमईटी। के अंदर चार वर्ड है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसमें फिर पूछा जाता है कि सेल डिवीजन में न्यूक्लियस डिवीजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, तो लिखते हैं अपन प्रोफेज। ये प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, सबसे लंबी अवस्था, लॉन्गेस्ट फेज। अच्छा, अपन जब प्रैक्टिकल में चलेंगे तो जैसे ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, वैसे आज फिनिश होने वाला, कल की क्लास अपनी प्रैक्टिकल की रहेगी। सीधा अपन बायोलॉजी लैब का जो मटेरियल है आगे ला करके लगा देंगे और आपको मैं सेल दिखाऊंगा। उसके लिए एक प्याज लेकर के आना आप लोग, ऑनियन। ओके, तो लेकर के आना। कौन लेके आएगा? तो ओके, ये बच्चा लाएगा। ओके, तो ये बच्चा लेके आएगा, बाकी किसी को नहीं लाना। हाँ, एक तो भी लेके आ जाना ताकि ज़्यादा सभी को दे देंगे अपन। तो ऑनियन, और ऑनियन के अंदर जो प्लांट सेल होती है उसको मैं प्रैक्टिकल करके आपको माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा। माइक्रोस्कोप में बहुत शानदार दिखती है। माइक्रोस्कोप के अंदर जब अपन देखते हैं तो उस माइक्रोस्कोप की स्ट्रक्चर के अंदर बकायदा इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन देख सकते हैं और बहुत शानदार स्ट्रक्चर के अंदर ये दिखाई भी देती है। माइक्रोस्कोप भी आपको दिखाएंगे, दो टाइप के माइक्रोस्कोप है, एक कंपाउंड होता है और दूसरा उसके साथ में सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, तो उसमें अपन देखते भी है। क्वेश्चन आता है कि किसी भी सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है, जैसे अपनी बॉडी के अंदर एक सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम दिखते हैं और क्रोमोसोम देखने के लिए सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज है। मेटाफेज स्टेज में सेल के अंदर क्रोमोसोम दिखाई देते हैं, क्रोमोसोम, और जिसकी डिस्कवरी की थी 1875 में साइंटिस्ट स्ट्रासबर्गर जिन्होंने डिस्कवरी की थी, तो उसको भी पढ़ेंगे अपन। सेल डिवीजन की सबसे लॉन्गेस्ट फेज अगर पूछे तो उसका नाम रहेगा प्रोफेज। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम की अच्छी डिस्कवरी करे तो उसके लिए मेटाफेज। अच्छा, सेल डिवीजन की सबसे छोटी स्टेज पूछे तो उसका नाम रहता है एनाफेज, और ये एनाफेज सबसे छोटी स्टेज है जिसको अपन लिखते हैं स्मॉलेस्ट फेज, बहुत सबसे छोटी अवस्था है, और एक ऐसी स्टेज दिखती है टीलोसोम, और इस टीलोसोम टीलोफेज के अंदर एक ही सेल डिवीजन के अंदर दो न्यूक्लियस एक सेल में भी दिखाई देते हैं। अब इनको डायग्राम से दिखा के अपन ट्राई करते हैं। जैसे ये प्रोफेज है, प्रोफेज, तो प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियस डिसअपीयर गया, अंदर जो क्रोमोसोम है वो धागे जैसे बन जाएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये क्रोमोसोम, अभी कितने क्रोमोसोम है, तो अंदर टोटल 6 क्रोमोसोम और ये पतले पतले धागे जैसे हो गए। अगली स्टेज आएगी, दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर इसमें दो एक्टिव पोल बनेंगे और ये एक्टिव पोल बनाने का काम करता है सेंट्रोसोम, जिसकी डिस्कवरी सटन बॉवेरी ने, और उसके अंदर सेंट्रोसोम में बैलगाड़ी के पहिए के जैसी संरचना दिखती थी, अपन ने लिखा था कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बनती, तो उसी से यहाँ पे एक्टिव पोल बनते। और यहाँ जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम इसके मिडल में आकर के एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आप क्रोमोसोम दिखाओगे तो ये टोटल 4 क्रोमोसोम ऊपर, 4 क्रोमोसोम नीचे, 8 क्रोमोसोम दिखा रहा हूँ, और इस 8 क्रोमोसोम का जो मिड पॉइंट है जिसको अपन सेंट्रोमियर कहते हैं, इस सेंट्रोमियर से ये पतले पतले जो धागे बने इसको नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर। हेलो सर, क्या पढ़ा रहे हो? सेल डिवीजन के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड होने की मेटाफेज स्टेज है, मेटाफेज स्टेज में सारे के सारे क्रोमोसोम सेल के मिडल में आकर के बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं, उसको अपन अच्छे से देख लेते हैं, तो यहाँ पे आकर के सारे व्यवस्थित हो जाते हैं। तीसरी अवस्था चलती है जिसका नाम है एनाफेज।
एनाफेज के अंदर ये जो क्रोमोसोम और बीच में जो स्पिंडल फाइबर है, ये क्रोमोसोम को बीच में से हाफ करके ले जाते हैं पोल की तरफ। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है, अब अगर मियोसिस होगा तो मियोसिस में गुणसूत्र कभी भी क्रोमोसोम कभी भी हाफ नहीं होता है, और ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम इधर की तरफ यूँ जाता हुआ दिखता है, इधर की तरफ पोल, और ये क्रोमोसोम इधर की तरफ जाता हुआ दिखता है, ये क्रोमोसोम अगेन पोल की तरफ जाएगा, ये क्रोमोसोम अगेन यहाँ पोल की तरफ जाएगा, ये क्रोमोसोम इस पेज में बहुत अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। और जब क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ जाते हैं तो क्रोमोसोम कुछ यूँ वी टाइप के, कुछ एल टाइप के, कुछ जे टाइप के, कुछ आई टाइप के दिखाई देते हैं। ये भी पूछा जाता है कि V, L, J, I टाइप के क्रोमोसोम कौन सी स्टेज में दिखाई देते हैं, दैट इज इन एनाफेज स्टेज। और ये सेल डिवीजन की सबसे स्मॉलेस्ट फेज भी है, और लास्ट में आता है टेलोफेज। टेलोफेज में वापस न्यूक्लियस प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाता है, अंदर की तरफ क्रोमोसोम वापस आकर के बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ क्रोमोसोम मैंने मेंटेन नहीं किया, क्रोमोसोम में अप डाउन कर रहा हूँ, किसमें ज्यादा बढ़ाऊँ किसमें कम बढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब हम व्यवस्थित अपना डायग्राम बनाएंगे ना तब और दिखाएंगे, अभी तो मैं केवल एक प्रोसेस दिखा रहा हूँ। और लास्ट में जब टेलोफेज होता है तो टेलोफेज के अंदर वापस दो न्यूक्लियस आ गए, अब धीरे से सेल डिवाइड होगी, इधर से अलग सेल बनेगी, इधर से अलग सेल बनेगी। तो ये मामला समझ में आ गया होगा। तो ये सेल डिवीजन का पूरा प्रोसेस है, और इस सेल डिवीजन के प्रोसेस के अंदर एक होता है मियोसिस और दूसरा होता है माइटोसिस। सेल डिवीजन में पहले इसका न्यूक्लियस टूटेगा, बाद में इसका सेल, साइटोप्लाज्म, ये सारे डिवाइड होते हैं। ओके।